जय सतियों दोस्तों, आज के युवाओं के साथ में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। नाइटफॉल, स्वप्न दोष, तीसरी चीज अष्टमैथुन, चौथी चीज आपका दांत गिरने वाली समस्या, मतलब सफेद पानी जाने वाली समस्या। ये आप महिलाओं में भी हो सकती है और जेंट्स में भी हो सकती है। दोस्तों इस चीज का समाधान मैं आप लोगों पर लेकर आया हूं। दोस्तों डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन फिजिकल ट्रेनर हूं। 16 साल से फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहा हूं बच्चों को, तो फोर्स के अंदर में, तो मुझे इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, मैंने उनका समाधान किया है, किस प्रकार से किया है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। तो आप लोग भी अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आपकी ये समस्या 100% दूर हो जाएगी। आपकी समस्या 3 या 4 दिन में आपको आराम मिल जाएगा और नेक्स्ट आप 1 महीने तक अगर फॉलो करते हैं तो हमेशा के लिए आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हमारी अकेडमी स्टार्ट हो चुकी है। बाहर के बच्चों को अभी एडमिशन अलाउ नहीं है, बाकी 1 तारीख से बाहर के बच्चे आ सकते हैं और लोकल बच्चों को वहां तैयारी करवाई जा रही है। और पिपलिया मंडी में जो हमारी पुरानी एकेडमी थी वो भी स्टार्ट 1 तारीख से होने वाली है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए सूचना थी, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, नंबर पर आप संपर्क कर लिए। दूसरी चीज आती है दोस्तों, बात करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की ओर। ये सारी समस्याओं का समाधान मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं समस्या दूर हो सकती है। सबसे पहली बात, नाइटफॉल होने का कारण या स्वप्न दोष होने का कारण अष्टमैथुन और दांत गिरना, जो आपका सफेद पानी जाता है उसकी समस्या आप लोगों के साथ में हो सकती है। लेकिन इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं मैं आपको बताएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है सौंफ और पूरी आपकी वो होती है मिश्री, मिश्री का डला आता है, पूरी साबुत मिश्री होती है, उसको आपको लेना है। लेने के बाद क्या करना है आपको, उसको आपको ठंडे दूध में, गाय का हो भैंस का हो चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठंडे दूध के अंदर में आप उसको डाल लीजिए। डालने के बाद में उसको पी लीजिए। पीने से आपकी जो ये दोनों तीनों चीजों में आपको प्रॉब्लम से 50% छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप एकांत में रहना छोड़ दीजिए। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बताया था अष्टमैथुन के नुकसान क्या क्या थे, वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूं कौन सा वीडियो था। अब आती है दूसरी चीज आपकी, एक आप ले लीजिए चूर्ण, ले लीजिए आप शतावर का चूर्ण ले लीजिए, उसको 2 या 3-4 ग्राम आप लेंगे। और लेने के बाद उसको क्या करना है, ठंडे दूध के अंदर में आप सोते टाइम, जब आप खाना खाने के बाद में जब सोने जाते हैं, सोने से पहले उसको ले लीजिए, तो आपके स्वप्न दोष की, नाइटफेल की समस्या वो दूर हो जाएगी। इसके बाद में एक चीज और आती है, आंवले का चूर्ण या तो आप पतंजलि का, ये भी आप शतावर का चूर्ण आपको पतंजलि का मिल जाएगा, अच्छा होता है इसलिए बता रहा हूं, मैं कोई उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप उसको ले लीजिए। लेने के बाद में उसको क्या करना है, शतावर का चूर्ण लेके ले लिया आपने, दूसरा आपको आंवला लेना है। आंवले का जो सूखा हुआ उसको या तो सुखा दीजिए घर पे, आप उसको छिलका उतार लीजिए, उतारने के बाद उसको सुखा दीजिए, सुखाने के बाद में आप उस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो आप उसको पतंजलि का भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों चूर्ण आपको उसको क्या करना है, मॉर्निंग सुबह और शाम आप दोनों टाइम आप उठने के बाद उस चीज का सेवन कर सकते हैं, या सोने से पहले चूर्ण कभी भी दिन में खा सकते हो, आपके लिए बढ़िया होगा, आपकी पाचन क्रिया वगैरह सब समस्याएं दूर कर देगा। दोस्तों ये समस्या हमारे साथ भी होती है, आप ये सोचते हैं कि नहीं यार नाइटफॉल वगैरह, हम भी घर परिवार से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहने के बाद क्या होता है, शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसे चीजें आती है, या आप इतना अच्छी डाइट लेते हैं, आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका शरीर बहुत हेल्दी होता है। और हेल्दी होने के साथ में हम लोगों के साथ भी ये समस्या आती है, हम लोगों का भी ये सप्ते में 1-2 बार हो जाता है। अगर सप्ते में 1-2 बार अगर नाइटफॉल और स्वप्न दोष हो रहा है तो आपके लिए वो सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सप्ते में आपका 2 या 3 या 4 बार या 5 बार अगर हो रहा है तो आपके लिए सोचनी बात है, आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि आपका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा और आपको जो रनिंग में मन नहीं लगेगा, ना ही आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपके अंदर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, सुस्ती आपके दिन भर आपके शरीर में छाई रहेगी। तो आपको ये चीजें दूर करने के लिए मैंने 3-4 चीजें बता दी। अभी एक नुस्खा और बताया मैंने आपको, दादी मां का नुस्खा है, या आप पुराने जमाने में होता था ऐसा सोचते थे, आप कोई भी चीज लोहे से बनी हुई, अगर आपके घर में लोहे से बनी कोई पीवर लोहे से बनी कोई चीज है तो उसको आप ले लीजिए। लेने के बाद उसको क्या करना है, आपको सिराने, जब आप सोते हैं, जब आपको सपने आते हैं नाइट में ऐसा कुछ है, तब आप क्या करना है, उसको सिराने, उसको रख लीजिए। रखने के बाद आप सोइए, आपको जहां तक मुझे अंदाज है पुराने जमाने में यही बताया करते थे, अगर आपने लिया और आपने सिराने रख के सोया तो आपके जो दूसरे उल्टे पुलटे सपने हैं वो नहीं आएंगे। उसके बाद में क्या होता है, युवा, आज का युवा बहुत ज्यादा भटक रहा है मोबाइल के चक्कर में, आज सभी बच्चों के पास में मोबाइल है, और ये समस्या 15 से लेकर 30 साल के बीच में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस उम्र में हमारा बढ़ता खून होता है, हमारे शरीर के अंदर चढ़ता खून होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, या ऐसी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। तब आपको क्या करना है, इन चीजों को दूर करने के लिए
आप एक तो अकेले में एकांत में सोना छोड़ दीजिए। आप अगर एकांत में सोना छोड़ देंगे तो आपको ये चीजें नहीं आएगी। आप किसी के साथ में सोइए, भाई हो आपके साथ में, कोई भी परिवार में फैमिली मेंबर्स हो उसके साथ में सोना अगर आपने शुरू किया तो ये समस्या आपके साथ नहीं होगी। तीसरी चीज आती है, आप वीडियो क्लिपिंग और ऐसी चीजें आप दिमाग में न लाएं। तीसरी चीज आप एक चीज और कर लीजिए, आप समय समय पर शरीर को योग अभ्यास देते रहिए। अगर आप योग अभ्यास देते रहेंगे तो आपके शरीर की इंद्रियाएं हैं, आपके मानसिक जो इंद्रियां हैं, आपके शरीर के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। अगर आपका कंट्रोल उनके ऊपर रहेगा, योगा आपके लिए जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने योगा करा तो आपके शरीर के हर एक इंद्रियों के ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हैं, तो आपकी ये स्वप्न दोष वाली समस्या और आपके ये नाइट फेल्स वाली समस्या, आपके दांत गिरने वाली समस्या और ये बहुत सारी चीजें ये आपकी दूर हो जाएगी। आप हस्तमैथुन के शिकार भी नहीं होंगे और आपकी ये आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। तो आप इन चीजों को ध्यान दे लीजिए, मैंने जितना बताया अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपकी ये समस्या 100% जड़ से खत्म जाएगी। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीडियो को लाइक करें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जिन बच्चों की यह समस्या आ रही है उन बच्चों तक अगर यह वीडियो पहुंचा देते हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय।